फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड जीके साइंस। इस वीडियो में मैंने आपको जी एनएचएम यूपी में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम हुआ था 16 जून 2019 को, तो उसी का जो पार्ट फर्स्ट है, सभी क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड हैं, ओरिजिनल क्वेश्चंस की कॉपी नहीं है गाइज। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब ESIC का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पब्लिश किए हुए थे तो मुझे बहुत कमेंट आए थे कि ओरिजिनल नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको साफ साफ बता दिया कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन याद रहे हैं और ये मुझे सोशल मीडिया के थ्रू क्वेश्चंस मिले हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वैक्सीन डज नॉट एडमिनिस्टर एट बर्थ, इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो बर्थ के टाइम पर नहीं दी जाती है, तो वो है DPT वैक्सीन, बाकी जो BCG हेपेटाइटिस बी और ओरल पोलियो वैक्सीन एट द बर्थ एडमिनिस्टर की जाती हैं। ये जो क्वेश्चन है जो नेक्स्ट स्टेट और जो अदर स्टेट के लिए CHO एग्ज़ाम होने वाले हैं और जो रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, सभी लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ORS डजेंट कंटेंट्स, ORS में इनमें से कौन से कंटेंट्स प्रेजेंट नहीं रहते, ए ग्लूकोज, बी कैल्शियम लैक्टेट, सी सोडियम बाइकार्बोनेट, डी सोडियम क्लोराइड। तो कैल्शियम लैक्टेट है जो पार्ट नहीं है ORS का, तो यहाँ पर आंसर आएगा बी कैल्शियम लैक्टेट। नेक्स्ट इज विच ऑर्गन इफेक्ट्स इन विल्म्स ट्यूमर, इनमें विल्म्स ट्यूमर है जो इसमें किस और कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है, ए किडनी, बी ब्रेन, सी लिवर और डी लंग्स। तो इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है किडनी, विल्म्स ट्यूमर को किडनी और रीनल ट्यूमर के नाम से भी जाना जाता है, ये सबसे ज़्यादा मोस्टली बच्चों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन न्यूबॉर्न, जो न्यूबॉर्न है उनकी रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है, तो वो होती है 120 to 140 बीट्स पर मिनट, 120 से 140 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट इज कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल मॉर्टेलिटी इन इंडिया, इंडिया में मोस्ट कॉमन न्यूनेटल मॉर्टेलिटी का कॉज क्या है, तो वो है लो बर्थ वेट बेबी एंड प्री मैच्योरिटी, LBWN प्री मैच्योरिटी है जो कॉमन कॉज है न्यूनेटल मॉर्टेलिटी के इंडिया में। नेक्स्ट इज डिसइंफेक्टेंट इज वन ऑफ विच, डिसइंफेक्टेंट क्या है, ए किल्स द वायरस, वी किल्स बैक्टीरिया, सी किल्स द स्पोर्स ओनली एंड डी किल्स बैक्टीरिया एंड स्पोर्स। सो हियर इज द करेक्ट आंसर इज बी किल्स बैक्टीरिया, डिसइंफेक्टेंट इज वन ऑफ विच दैट किल्स द दे किल्स द बैक्टीरिया ओनली। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉर्टेलिटी इंडिकेटर, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं बट आंसर करेक्ट ही बताए गए हैं, तो यहाँ पे मॉर्टेलिटी का इंडिकेटर क्या है, तो वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नेक्स्ट इज इन इंडिया डेथ मस्ट बी रजिस्टर्ड विद इन, इंडिया में डेथ कितने दिनों के अंदर रजिस्टर्ड हो जानी चाहिए, डेथ और बर्थ दोनों ही 21 डेज में रजिस्टर्ड हो जाते हैं, करेक्ट आंसर आएगा सी 21 डेज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ PEM प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन, तो प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन का फर्स्ट इंडिकेटर है अंडर वेट फॉर एज, एज जैसे एज है उस हिसाब से वजन ना होना वेट ना होना, तो कंडीशन इंडिकेट करती है PEM की तरफ, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज विच इम्यूनोग्लोबुलिन कंटेंस ब्रेस्ट मिल्क, किस इम्यूनोग्लोबुलिन में सॉरी ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट रहता है, तो वो है इम्यूनोग्लोबुलिन ए IgA। नेक्स्ट इज कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डायरिया, इनमें से कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डायरिया क्या है, तो वो रोटा वायरस सॉरी तो जिसने भी मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हुए होंगे उनको ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही इजी लगा होगा, क्योंकि 100 जो भी जितने भी 50 क्वेश्चन मुझे यहाँ पे मिले हुए हैं अभी तक, तो वो पूरे मैं पहले ऑलरेडी पब्लिश कर चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, नॉर्मल सीरम यूरिया वैल्यू इज, तो कितनी होती है 5 to 20 mg/dL इज़ द नॉर्मल सीरम यूरिया वैल्यू। नेक्स्ट इज हीट स्ट्रोक सिम्टम्स इज, तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन यहाँ पे हीट स्ट्रोक का जो मेन सिम्टम है वो है हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट इज MTP एक्ट केम इनटू फोर्स, MTP एक्ट है वो कब फोर्स हुआ था पास आउट हुआ था, तो वो हुआ था 1972 में। तो एक चीज़ आप जान लीजिए, जो MTP एक्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है जो 1971 में पार्लियामेंट से पास हुआ था, बट इसका जो इस पे जो एक्शन लिए गए थे और फोर्स में आया था 1972 में 1972 में। नेक्स्ट इज साकेट टेप यूज्ड फॉर, तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, मिड आर्म सरकमफेरेंस मेजरमेंट,
साके टेप यूज्ड फॉर द मिड आर्म सर्कमफेरेंस मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज न्यूबॉर्न वीक सेलिब्रेट इन इंडिया। न्यूबॉर्न वीक है वो इंडिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो किया जाता है 15 to 21 नवंबर, 15 से 21 नवंबर के बीच में न्यूबॉर्न वीक के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। नेक्स्ट इज वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग और स्तनपान वीक है वो कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 1st week of August, 1 से 7 अगस्त के बीच में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। नेक्स्ट इज कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टिटेनस। इज टिटेनस का जो कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वो क्या है, तो वो है क्लोरिस्टिडियम टिटेनी। नेक्स्ट इज कॉप्लेक्स स्पॉट्स आर सीन इन। कॉप्लेक्स स्पॉट है वो किस डिसीज में देखने को मिलते हैं, तो वो मिलते हैं मीजल्स की कंडीशन में। नेक्स्ट इज ओरल आयरन टेक्स अलोंग विथ। जो ओरल आयरन की जो मेडिसिन और सीरप ली जाती है वो किसके साथ ली जाती है, जूस और मल्टीविटामिन के साथ है। खट्टे एक चीज़ और याद रखिए, जो जूस है सिट्रस जूस है या फिर विटामिन सी है, इनके साथ ही ओरल आयरन को लिया जाता है। बट कभी भी जो मिल्क और दूध उसके साथ ओरल आयरन की जो टैबलेट्स या फिर सिरप ली जाती है उनको कभी नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है सिंबल ऑफ HIV अवेयरनेस। जो एड्स और HIV अवेयरनेस के लिए एक सिंबल यूज़ किया जाता है, तो क्या है, तो है रेड रिबन। आंसर इज रेड रिबन। नेक्स्ट इज आयरन स्टोर्ड इन बॉडी इन विच फॉर्म। जो आयरन है बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो वो होता है फेरेटिन के फॉर्म में। आयरन स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फेरेटिन फॉर्म। नेक्स्ट इज विच इज़ नॉट कवर अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। कौन सा पार्ट है जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कवर नहीं होता, तो वो है विटामिन डी। बट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आंसर आएगा विटामिन डी। बट विटामिन ई है जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में अंदर आता है या उसी के अंदर इसको एडमिनिस्टर भी करवाया जाता है बेबीज को। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24 लेप्रोसी कॉज्ड बाय। जो लेप्रोसी कॉज करने वाला वायरस वो क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। नेक्स्ट इज OPV गिव्स टिल विच एज। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन कब तक दी जा सकती है, तो वो दी जाती है 5 साल तक में, 5 ईयर्स। नेक्स्ट इज अर्बन मलेरिया स्कीम लॉन्च्ड इन। अर्बन मलेरिया कंट्रोल स्कीम वो कब लॉन्च हुई थी, वो हुई थी 1971 से 1972 के बीच में, तो 1971 to 1972। नेक्स्ट इज विच गिव्स द कलर ऑफ स्किन एंड हेयर। बालों को और जो स्किन है उसको कलर किससे मिलता है, तो मिलता है मेलेनिन। मेलेनिन है जो मेलेनोसाइट्स इसको सीक्रेट करती हैं। नेक्स्ट इज विच हार्ट चैम्बर कंटेंस ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, उनमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से चैम्बर कलेक्ट रहता है, तो वो रहता है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। नेक्स्ट इज विच एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन बेस ऑफ द ब्रेन। बेस ऑफ द ब्रेन में कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, तो वो है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट इज विच हेपेटाइटिस स्प्रेड बाय फीको ओरल रूट। कौन सा हेपेटाइटिस है जो फीको ओरल रूट के थ्रू स्प्रेड होता है, फैलता है, तो वो हेपेटाइटिस ए। नेक्स्ट इज मीजल्स गिव्स एड। जो मीजल्स वैक्सीन है वो कब दी जाती हैं, तो वो दी जाती है 9 मंथ में। नेक्स्ट इज एडल्ट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एडल्ट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो कितना होता है, 120 mmHg, और डायस्टोलिक है वो 80 mmHg। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120 by 80 mmHg। नेक्स्ट इज TB डे ऑब्जर्व ऑन, ट्यूबरक्लोसिस डे ऑब्जर्व इन, तो वो होता है 24 मार्च को TB डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। नेक्स्ट इज टोबैको डे ऑब्जर्व्ड ऑन। टोबैको डे है तंबाकू दिवस, वो 31 मई को मनाया जाता है। आंसर इज 31 मई। नेक्स्ट इज डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय। डेंगू है जो किसके द्वारा फैलता है, तो वो फैलता है एडीज मॉस्क्यूटो के द्वारा। नेक्स्ट इज जैपनीज इंसेफेलाइटिस ट्रांसमिटेड बाय। जैपनीज इंसेफेलाइटिस किसके द्वारा फैलता है, तो वो फैलता है क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो के थ्रू। जैपनीज इंसेफेलाइटिस और इसको अभी बिहार साइड एक अलग सा नाम दिया गया है, चमकी फीवर, हाँ इसी टाइप से कुछ नाम दिया गया। उससे एटलीस्ट 100 बेबीज़ की डेथ हो चुकी है। तो ये जैपनीज इंसेफेलाइटिस किसके द्वारा फैलता है, क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो के द्वारा। नेक्स्ट इज हीमोग्लोबिन लेस देन कंसिडर्ड एनीमिया। हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो कितने से ज़्यादा कम हो जाए, तो वो एनीमिया की कंडीशन में माना जाता है, तो वो होता है
जब भी हीमोग्लोबिन लेस देन 11 mg/dL से कम हो जाए तो वो कंडीशन कहलाती है एनीमिया। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल्स, जो फीमेल में कैंसर होता है मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है, तो वो ब्रेस्ट कैंसर। आंसर इज ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट इज ब्लीडिंग डिसीज इज नोन एज, ब्लीडिंग डिसीज क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग गिव्स टिल, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है वो कब तक दी जानी चाहिए, तो वो दी जानी चाहिए 6 मंथ तक। और इसके बाद जो वेनिंग स्टार्ट हो जाता है जिसमें आप बच्चों को खाना पीना दाल ये सब भी पिला सकते हैं, खिला पिला सकते हैं, बट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का जो टाइम है वो 6 मंथ तक। नेक्स्ट इज स्क्रीनिंग इन इज विच टाइप ऑफ प्रिवेंशन, जो प्रिवेंशन होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, तो स्क्रीनिंग है किस टाइप के प्रिवेंशन में आती है, तो वो आती है सेकेंडरी प्रिवेंशन में। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज, जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है पल्स प्रेशर। आंसर इज पल्स प्रेशर। नेक्स्ट इज ECP stands for, ECP का फुल फॉर्म क्या है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ PPK, PPK का फुल फॉर्म क्या है, पॉजिटिव प्रेगनेंसी किट। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन ड्रग कैलकुलेशन डन अकॉर्डिंग टू, तो बच्चों में ड्रग का कैलकुलेशन किया जाता है वो वेट के हिसाब से किया जाता है, तो आंसर आएगा यहाँ पे वेट। नेक्स्ट इज इंसुलिन सीक्रेटेड बाय विच सेल्स, इंसुलिन है वो कौन सी सेल्स सीक्रेट करती हैं, तो वो सीक्रेट करती हैं बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास, पैंक्रियास में बीटा सेल्स रहती हैं वो इंसुलिन का सीक्रेशन करती हैं। नेक्स्ट इज MMR वैक्सीन गिव सेट, MMR वैक्सीन है वो कब दी जाती, कब तक दी जा सकती है, तो वो 1 साल में दी जा सकती है। नेक्स्ट इज आंगनवाड़ी वर्कर्स आर पार्ट्स ऑफ, जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो किसका पार्ट है, तो वो है ICDS स्कीम के अंतर्गत आती हैं जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत आंगनवाड़ी वर्कर्स आते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, तो किडनी की फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, तो है नेफ्रॉन। नेक्स्ट इज मलेरिया एंड फाइलेरिया ट्रांसमिटेड बाय, तो ये दोनों किसके द्वारा फैलते हैं, मॉस्किटोज के थ्रू। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी ही आपको लाने की कोशिश करूँगी। अपने दोस्तों के साथ भी इन क्वेश्चंस और इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि जो भी जिनने भी एग्ज़ाम दिया है उनको भी हेल्प हो, और जो अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो। थैंक यू गाइज़।